क्लब में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे सोयाबीन से कुछ स्पेशल रेसिपी। इसके लिए हम सोयाबीन को थोड़ी देर गर्म पानी में उबालकर ने साइड में रख देंगे। अब हम कुछ इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे, जैसे धनिया, बेसन, सूखा धनिया, दही, हल्दी, नमक, मिर्च। अब हम सोयाबीन को निचोड़कर एक बर्तन में डालेंगे और हम इसमें अपने इंग्रेडिएंट्स को स्वाद अनुसार मिलाएंगे। पहले हम लेंगे सूखा धनिया, उसे डालकर हम लेंगे हल्दी। हल्दी केवल हम रंग के लिए ऐड करेंगे। थोड़ी सी सूखी लाल मिर्च अपने स्वाद के अनुसार। उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक अपने स्वाद के अनुसार। अब हम इसको मिलाएंगे। इसमें हम थोड़ा सा दही ऐड करेंगे स्वाद के लिए। बेसन मिलाएंगे। बेसन को डालकर हम उसमें सूखा हरा धनिया डालेंगे, जिससे हमारे सोयाबीन चंक्स के कबाब और भी लजीज बने। अब हम गैस पे रखेंगे कढ़ाई। तेल डालकर उसमें हम सोया चंक्स को एक एक कर डालेंगे। इसको हम हल्का गोल्डन होने तक पकाएंगे। तो तैयार है हमारे सोया चंक्स के छोटे छोटे कबाब। इनको हम कबाब सीख में डालकर ऑनियन, थोड़ी सी हरी चटनी और थोड़े से केचप के साथ सर्व करेंगे। ये सोया चंक्स हमारे देखने में बहुत ही लजीज और खाने में एकदम क्रिस्पी होंगे। देखिए सोया चंक्स हमारे कितने परफेक्ट दिख रहे हैं। तो खाओ, पियो, मज़े करो और बनाओ सोया चंक्स कबाब। बाय बाय।